हेलो गाइस, मेरा नाम है कृति दीप्त साहू और आप देख रहे हैं टेक इजी। तो आज हम इस वीडियो में, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कर्व ट्रेसिंग, तो आज हम इस वीडियो में कर्व ट्रेसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कर्व को ट्रेस करना है, जो कि हमारा ग्रेजुएशन के कोर्स में बेसिकली होता है। और इसमें से एक क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, इसमें से बेसिकली एक से दो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और कोई भी पॉइंट पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कर्व ट्रेसिंग का, जो होता है हमारा बेसिकली थ्री टाइप्स का कर्व्स होता है, एक होता है कार्टेशियन कर्व्स और एक होता है पोलर कर्व्स और एक होता है पैरामेट्रिक कर्व्स। तो इस वीडियो में मैं आपको कार्टेशियन कर्व को कैसे ट्रेस करना है उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चंस कराऊंगा। इस वीडियो में मैं इसका सिर्फ थ्योरी पोर्शन कराऊंगा कि कैसे आपको ट्रेस करना है, इसका प्रोसीजर बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका थ्योरी पर्सन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं आपका क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बने। और आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी पर्सन बताऊँगा और अच्छे से आप लोग थ्योरी पर्सन को समझ जाइए, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इन जनरल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्व्स, ठीक है। अगर हम लोग बेसिकली देखें तो हमारे पास थ्री टाइप्स का कर्व्स होता है, जो कि होता है कार्टेशियन कर्व्स, फिर आता है पोलर कर्व्स, फिर आता है पैरामेट्रिक कर्व्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कार्टेशियंस, पोलर एंड पैरामेट्रिक कर्व्स, ठीक है। तो कार्टेशियन कर्व्स क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो कर्व्स को हम लोग एक्स और वाई के टर्म्स पे लिखते हैं तो उस कर्व को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कर्व्स, और जो कर्व को हम लोग आर एंड थीटा के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कर्व। एंड पैरामेट्रिक कर्व, एक कर्व को अगर हम लोग थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक कर्व। जैसे कि एक्स और वाई को अगर हम लोग टी वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पैरामेट्रिक कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कार्टेशियन कर्व्स तो पढ़ लेते हैं। दीज इक्वेशन इन्वॉल्व एक्स एंड वाई, दैट मीन्स द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सो लेट द कर्व बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जो इक्वेशंस में एक्स और वाई इन्वॉल्व होता है एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते, एक्स को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वाई को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो उस कर्व को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कर्व्स इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो लेट हमारा जो कर्व है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो हम लोग सपोज मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसको ट्रेस करने का प्रोसीजर फर्स्ट आता है हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक मतलब क्या है कि सिमेट्रिक ये होता है कि अगर यहाँ पे हमको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया जाएगा तो यहाँ पे सिमेट्रिक मीन्स एक्स एक्सिस के थ्रू अगर सिमेट्रिक होता है तो एक्स एक्सिस का ऊपर जैसे बनेगा एक्स एक्सिस के लोअर में भी वैसे बनेगा। सिमिलरली उस तरह से जो वाई एक्सिस दिया जाएगा तो वाई एक्सिस का लेफ्ट साइड में जैसे बनेगा उसका राइट साइड में भी वैसे ही बनेगा, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये क्या होता है, इफ़ ऑल द पावर्स ऑफ वाई इन द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमको कोई भी कर्व दिया जाता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि y का जितना भी पावर है, ठीक है, वो सब इवन अगर हो जाएगा तो उस कर्व को हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बनेगा। दैट मीन्स एक्स एक्सिस का ऊपर में जैसे कर्व का डिज़ाइन बनेगा उसके नीचे में भी सेम टाइप का डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे x का जितना भी पावर्स है वो सब इवन हो गया तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी एक कर्व दिया जाएगा तो उस कर्व का अगर y एक्सिस का पावर सब क्या होगा, इवन होगा, तो वो जो कर्व है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, और अगर x का पावर इवन है तो वो कर्व जो है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है कि सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि लाइन y इज इक्वल टू x क्या होता है। सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है।
इसमें से अगर एक कर्व जो है, कर्व नहीं लाइन, जो कि हमारा ओरिजिन को पास करके जाता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं द लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई। और अगर इस लाइन को हमको ड्रॉ करना है तो इसको हम लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तो वाई का भी वैल्यू 1 होगा, एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो वाई का भी वैल्यू 2 होगा, एक्स का वैल्यू -1 लेंगे वाई का वैल्यू माइनस होगा क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई दिया गया है, फिर एक्स का वैल्यू -2 लेंगे वाई का वैल्यू -2 होगा। तो वो जो कर्व है कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, तो वो एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो कि ओरिजिन को पास करके जाएगा। तो ये हो गया लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस लाइन के थ्रू कब वो सिमेट्रिक होगा, जबकि इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज विदाउट एनी चेंज इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर हमको कोई भी एक इक्वेशन ऑफ कर्व दिया जाएगा, उस इक्वेशन ऑफ कर्व में एक्स और वाई को हम लोग इंटरचेंज करते हैं कोई भी चेंज किए बगैर, मतलब कि उसका साइन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसका पावर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, और एक्स एक्सिस जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में है तो राइट साइड में ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसका वेरिएबल को चेंज कर देंगे, एक्स की जगह पे वाई कर देंगे, वाई की जगह पे एक्स कर देंगे। फिर भी अगर इक्वेशन ऑफ कर्व सेम रह जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इसमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3ax y, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग x के जगह पे y रखेंगे, y के जगह पे x रखेंगे, तो वो जो इक्वेशन ऑफ कर्व बनेगा सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो ये जो इक्वेशंस हो गए ये हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया बात। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सिमेट्रिक अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे ना, पुट करेंगे, बाय पुटिंग -x फॉर x एंड -y फॉर y, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन सेम देन द कर्व इज सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमको कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहेगा और उसी इक्वेशन में हम लोग x के जगह पे -x पुट करेंगे एंड y के जगह पे -y पुट करेंगे, और वो जो कर्व का इक्वेशन है वो रिमेन सेम रहेगा, दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं होगा इक्वेशन ऑफ कर्व में, तो इस उस इक्वेशन ऑफ कर्व को हम लोग बोलेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक, दैट मीन्स ये जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन बनेगा उस कोऑर्डिनेट प्लेन में इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में उस तरह से होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे होगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैसे ही होगा, ठीक है। ये दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट हो गए, ये दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट हो गया, तो यहाँ पे दोनों को हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलर अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड आता है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन हो गया सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम लोगों को चार पॉइंट देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, एंड सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है ओरिजिन एंड टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो कर्व है वो ओरिजिन को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन मतलब 0, 0 होता है, तो ओरिजिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए सी वेदर द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन और नॉट, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, देन द कर्व इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो हम लोग को देखने के लिए ओरिजिन को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन जो हमको दिया रहेगा उस गिवन इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS आता है, तो द इक्वेशन इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगा, दैट मीन्स द इक्वेशन डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर पास करता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसमें टेंजेंट निकालेंगे, ओरिजिन पे टेंजेंट निकालेंगे, और अगर पास नहीं करता है तो हमको टेंजेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टेंजेंट कैसे निकलेगा, अगेन द टेंजेंट एट ओरिजिन कैन बी ऑब्टेंड बाय इक्वेटिंग द लोअर डिग्री टर्म टू 0, ठीक है। तो ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे निकलेगा ना, जो हमको इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन का लोअर डिग्री टर्म एक होगा, जैसे कि सपोज मान लीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू 1,
तो इस इक्वेशन में लोअर डिग्री टर्म कौन है, यहाँ पे x है। सो यहाँ पे x को हम लोग क्या करेंगे ना, जीरो इक्वेट करेंगे। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा टेंजेंट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट निकलेगा ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नोट यहाँ पे दिया गया है जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आता है। देखिए इसको हम लोग को ग्राफ बनाते टाइम थोड़ा सा काम आएगा, लेकिन इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम आता है, ठीक है। तो देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन बी टू, देन द ओरिजिन विल बी ए डबल पॉइंट, उसको डबल पॉइंट बोलेंगे। एंड इफ़ द टू टेंजेंट एट ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो जो टेंजेंट बनेगा ओरिजिन पे अगर रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो ओरिजिन को हम लोग नोड बोलेंगे। एंड इफ़ द टू टेंजेंट एट ओरिजिन आर रियल एंड कॉन्सिडेंट, रियल और कॉन्सिडेंट एक के ऊपर दूसरा रहेगा तो उसको हम लोग कप्स बोलेंगे। और अगेन इफ़ द टेंजेंट इज ए इमेजिनरी, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट पॉइंट। और उसी केस में क्या होगा, द कर्व डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर कर्व सेटिस्फाई भी करता है जीरो जीरो को तो भी ये पास नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस और द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे दो केस दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और सेकेंड केस यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है उसके साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालने। तो कौन सा केस में कौन सा निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझ लेते हैं, फिर ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक कर्व जो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है तो वो क्या करेगा ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग y इज इक्वल टू जीरो पुट करके x का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, सपोज अल्फा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कोई अगर कर्व y एक्सिस को सिमेट्रिक होता है, दैट मीन्स द कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। उसी तरह से अगर किसी केस में द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x है, तो उस केस में हमको क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस लेट इट बी अल्फा कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बीटा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर इंटरसेक्ट करता है तो अल्फा कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बीटा, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ऑल्सो फाइंड द टेंजेंट, अगर ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो उसी पॉइंट पे हमको क्या करना होगा, टेंजेंट निकालना होगा एट अल्फा कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बीटा पे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड और बाय ओरिजिन शिफ्टिंग मेथड, ठीक है। तो दो मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। कैलकुलस मेथड क्या है मैं आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे, और ओरिजिन शिफ्टिंग मेथड क्या है मैं आपको उसको भी समझाऊंगा क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। क्योंकि कैलकुलस मेथड तो शायद आपको पता हो सकता है, लेकिन ओरिजिन शिफ्टिंग मेथड मैं आपको बेसिकली अच्छी तरह से समझाऊंगा, जो कि बहुत ही ईजी होता है। और अगर इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द लाइन y इज इक्वल टू x बी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, y जो लाइन है y इज इक्वल टू x उसके साथ अगर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा होता है तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे ना, टेंजेंट निकालेंगे एट अल्फा कॉमा बीटा पे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो इसमें हम लोग कैलकुलस मेथड का यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग और कोई मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर आता है, रीजियन वेयर द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद यहाँ पे हमको रीजियन निकालना पड़ेगा जिस रीजियन पे कर्व जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ पॉसिबल ट्राई टू राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स वाई स्क्वायर को एक्स के टर्म पे लिख देंगे। जैसे कि y square is equal to suppose x square plus 1 divided by x square minus 1, इस तरह का लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस तरह करने से हमको प्रॉफिट ये होगा कि वो अगर y square is equal to हम लोग x f of x के टर्म्स पे लिख देते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच y square इज नेगेटिव। x का कौन सा वैल्यू लाने से y square क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। अगर y square लेस देन जीरो दैट मीन्स y इज इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, पहले से जानते हैं। अगर y इमेजिनरी हो गया तो वहाँ पे हम लोग का जो कर्व है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन कर्व निकाल रहे हैं, दैट मीन्स वो
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे निकलेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे कर्व जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिमिलरली उसी तरह से हमको क्या करना होगा, इफ पॉसिबल ट्राई टू राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को भी हम लोग वाई के टर्म्स पे लिख सकते हैं, और फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर व्हिच एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, एंड फॉर दिस रीजन द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। फिफ्थ पॉइंट इज एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट क्या होता है, एसिम्प्टोट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू फाइंड पैरेलल एसिम्प्टोट टू द एक्सिस। मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा कि पैरेलल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करते हैं और ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स होता है जिसमें कि हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करते हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट दैट मीन्स इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स। और एसिम्प्टोट का एक इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिक्स नंबर, मैक्सिमम मिनिमम और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस ये स्पेशल टाइप में ज़रूरत होता है तो इसका अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्पेशल केसेस देखेंगे, दैट मीन्स स्पेशल पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमको एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें से एक्स का वैल्यू क्या डालने से वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या डालने से वाई का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लीजिए एक्स का वैल्यू प्लस माइनस वन करने से ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है, और अगर पॉइंट फाइंड आउट नहीं होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग जो ऊपर में थ्योरी पढ़े हैं उसको यूज़ करके हम लोग कर्व बना सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन ये आता है कि बाय द हेल्प ऑफ द अबव पॉइंट्स, दैट मींस हम लोग जो पढ़ चुके हैं अभी, सिमेट्रिक देन ओरिजिन एंड टेंजेंट एट ओरिजिन देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस और द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, उसके साथ साथ हम लोग एसिम्प्टोट निकाल लेंगे, उसके साथ साथ हम लोग रीजन